श्रमिकों और दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने की कवायद तो शुरू हुई है, लेकिन राजस्थान सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे राजस्थान की सीमाओं को सील करने का भी आदेश दे दिया। ऐसे में जो लोग राजस्थान आए हुए हैं अपने अपने जिलों में जाने के लिए अब परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो लोग मेरे पीछे देख रहे हैं सभी उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से कल रात को 1 बजे करीब इन्हें लाया गया था, यहाँ पर बस आई थी और उसके बाद से लगातार अब जैसलमेर जाने के लिए अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। कई बार अधिकारी आए, नाम लिखवा के ले गए। मैं इनसे बातचीत करता हूँ कि क्या हकीकत है, किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं ये, क्या इन्हें सरकार जो वादा कर रही है वह सुविधा मुहैया कराएगी। भाई साहब कहाँ से आए हो आप? संबलपुर से आए। संबलपुर मतलब उड़ीसा? उड़ीसा से। कब पहुँचे जयपुर? जयपुर तो रात में 12 बजे छोड़े थे, लेकिन कल 12 बजे आ गए थे कोटा। और हम लोग 4 तारीख का जो है सोमवार की शाम को वहाँ से बैठे थे, 2800-2800 रुपया भाड़ा दे करके। फिर यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ आने के बाद में एक तो मतलब जो है लेटरिन बाथरूम में जाते हैं तो बहुत गंदा पड़ा है, तो नहीं होता तो भी डर लगता है कभी, तो खाना पीना ही बंद कर दिए हैं। हम तो 24 घंटे से कुछ खाए नहीं। आप लोगों को 16 घंटे हो गए यहाँ आए हुए? 16 घंटे नहीं सर, सुबह 5 बजे आए थे उड़ीसा से, बरगढ़ से। भाई साहब आप कितने बजे आए? आपको 1 बजे और अभी दिन में करीब 4:30-5 बजने वाले हैं दोपहर। हाँ हाँ आराम। फिर कैसे जाएंगे आगे घर? अब क्या बैठ रहे हैं भरोसे रोड भेज के बोल रहे हैं, नाम तो लिख लिया अब 4 बार, नाम तो इसने 4 बार आके लिख लिया, अब व्यवस्था कुछ नहीं क्या करें? नाम लिख लिया व्यवस्था नहीं है। देखिए छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये छोटे बच्चे हैं। आप कितनी बजे कहाँ से आई है यहाँ पर? उड़ीसा से आई है। कब पहुँचे यहाँ जयपुर? सुबह 8 बजे। तो इन बच्चों को खाना वाना बीच में बस में लाते वक्त खिलाया गया था? आप बस में दिया है? सरकार की तरफ से दिया ना? नहीं सरकार की तरफ से नहीं दिया था, तो किसी ने दिया था खाना। किसी ने दिया था। तो अभी आगे जाने का? अभी आगे जाने का रोडवाइज का इंतजार कर रहे हैं, अगर आएगी तो जाएंगे, नहीं तो पैदल ही जाएंगे। और क्या, हाथ में पंखा वगैरह भी आप ले रखे हैं? ये तो गर्मी के लिए बच्चों के। ये देखिए ये सिंधी कैंप बस स्टैंड है, यहाँ पर ठहरने के लिए एक जगह भी बनाई गई है वेटिंग रूम जैसे, लेकिन ये जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं इन लोगों को वेटिंग रूम में बैठाने की बजाय इधर उधर कहा जाता है कि आप किसी जगह बैठिए, ये मजबूरन इसी तरह बरामदे में बैठते हैं। भीषण गर्मी भी है यहाँ पर, टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक का है। देखिए ये मैं एक और फैमिली वालों से मिलाता हूँ। माता जी हैं उड़ीसा में रही हैं और पूरे परिवार के साथ छोटे बच्चे वगैरह सब हैं। माता जी खाना वाना खाए? बस में 40 घंटे इतनी दूर उड़ीसा से आना मुश्किल था क्या? मुश्किल बैठी जाई को नहीं धरती पर, यहाँ पकड़ बैठा वहाँ रस्ते में बैठा, बरगढ़ में बेहोश हो गई, कमजोरी महसूस हो, गर्मी लगी नहीं देखो बेहोश हो गई। कब आए यहाँ पर जयपुर, कब पहुँचे आप? मैं जयपुर को गया 15 तारीख काल हो गया, काल रात का। और अब यहाँ से कहाँ जाना है आपको? डूंगरगढ़ जाना है। हाँ। तो कोई ले जाने के लिए बोला क्या, बस कितनी बजे आएगी क्या? बस नहीं मन करने की कौन कहियो, कहीं नहीं कुछ नहीं बोला। ये बता रहे कि नहीं डूंगरगढ़ जाना है, कल रात से आए हुए लगातार यहाँ बैठे हैं। मैं इनसे भी बातचीत करता हूँ। आप कहाँ से, ये सब लोग एक जगह से? हम एक साथ में आए हैं, मैं संबलपुर से हूँ, ये मेरी दोनों बुआ सास हैं, पूरी लेके गए थे इनको और वहाँ पे वो पूरी वाला नहीं हुआ कुछ काम, तो फिर आ गए और परसों आए थे रात को 12 बजे पहुंचे। और क्या मुश्किल था वहाँ से यहाँ तक आना क्या, क्योंकि सब जगह तो बंद था रास्ता, बसें भी नहीं चल रही, ट्रेन भी नहीं चल रहा? बसें चल रही थी ना वहाँ से, तो कोटा तक तो ठीक आ गए थे, आगे कोटा से फिर जयपुर का सफर बहुत टफ था। पैसा देना पड़ा वहाँ संबलपुर से? 2500 रुपये लिए थे वहाँ से, 2500 रुपये लिए थे संबलपुर से कोटा के, 2500 रुपये। और बच्चे के बोले कि 2500 लेंगे, तो बातचीत करके और इसके थोड़े कम करवाए, डिस्टेंस करवा के, और बोले 2500 लेंगे सबके। सरकार ने बोला है कि जो लोग आना जाना चाहते हैं उनके पैसे खुद सरकार वहन करेगी, लेकिन ये बता रहा है कि सभी लोगों से पैसा लिया गया। बाबू जी आप कहाँ से आए? उड़ीसा से। आप भी उड़ीसा से? खाना वाना खाए पहले? खाना खाया। कहाँ पे, यहाँ पे या बस में? बस में तो हमारा वहाँ मंत्री दिया था वो खा गया था, बस में तो कौन खाना देगा, मंत्री हमको बिस्कुट उस्कुट दिया था, उड़ीसा का मंत्री वो 40 घंटे बिस्किट पे काम चलाए थे, बिस्कुट का पैकेट, बिस्कुट बहुत पेटी दिया था, वो पेटी खा के खाए गए। अच्छा खाते हुए? हाँ खाता है। ठीक है। और यहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ कमर जाना जैसलमेर जिले में बांदवा परसून जैसलमेर। तो कितनी देर से बैठे हैं बस का इंतजार कर? यहाँ तो सुबह आए, यहाँ सुबह आए, इंतजार ही कर रहे हैं 5 बजे सुबह। ये देखो कुछ लोगों के लिए, ये देखिए सामान है, कुछ लोगों के लिए बसों की व्यवस्था,
की जा रही है ये ताकि ये लोग अपने घर पहुंचे। हर सभी लोगों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए मास्क जरूर लगाया, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर भी घबराए। डर लग रहा है आपको कि सब ऐसे बैठे हैं कहीं परेशान नहीं हो जाए, जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाए? वही तो सब सोच रहे हैं जल्दी घर पहुँच जाए, इस तरह से ठीक रहेगा। यहाँ तो सब लोग कहाँ कहाँ से सब लोग आते हैं, कोई कैसा आता है कोई कैसा, हम भी यहाँ भी सुरक्षित थे तो अभी सुरक्षित पहुँचने के लिए ये सोच रहा है, तो सुबह से यहाँ इंतजाम कर रहा है, बस का आने का कोई ठिकाना नहीं है। और आपको जाना कहाँ तक है? जैसलमेर। आपको भी जैसलमेर? जी जी। जयपुर से जैसलमेर करीब 12 से 13 घंटे का रास्ता, जिस हिसाब से लोग बैठे हैं अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कितनी मुश्किल होगी। और जहाँ पर ये बसें बहुत सारी खड़ी है, देखिए बसें खड़ी है, लेकिन ये किस बस में इन लोगों को बैठाया जाएगा, कितना सेफ्टी मेजर्स अपनाया जाएगा, ये अभी सबसे बड़ी इन लोगों के लिए चिंता की बात है। छोटे छोटे बच्चे परिवार, ये आगे से आगे आपको मैं ले जाऊंगा, तमाम तरह के लोग हैं, सभी अलग अलग जगह से आए हैं, ऐसे में अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर भी ये काफ़ी चिंतित है, क्योंकि इन्हें इसी तरह इस खुले जगह पर यहाँ पर बैठना पड़ता। चाहते हैं कि अगर इतना बड़ा वेटिंग हॉल यदि इन लोगों के लिए खोल दिया जाए तो कम से कम ये आराम से अंदर पंखे की हवा में बैठ सकते हैं इस गर्मी में, लेकिन वेटिंग रूम पूरी तरह बंद है और ये लोग इसी बरामदे में बैठने को मजबूर हैं। अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल ही है कि अधिकारी लोग एसी वाले कमरे में बैठकर बड़े बड़े आदेश जारी करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में जब इनकी परेशानी कोई देखने आएगा तब शायद असली समस्या पता लगेगी कि ये लोग कितने परेशान हो जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो अपने घर राजस्थान जाने के लिए आए थे और अब यहाँ से आगे कैसा सफ़र तय होगा, ये बड़ी उससे भी ज़्यादा परेशानी, इससे भी ज़्यादा परेशानी जहाँ इन्हें ठहराया जा रहा है वहाँ पर रुकने की एक प्रॉपर व्यवस्था की ये इंतज़ाम चाहते हैं, ताकि अब इनका सफ़र तो हो सकता है कुछ देर बाद या अपने घर पहुंच जाए, लेकिन जो बाकी लोग आएंगे उन लोगों के लिहाज से इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी ही होगी। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।